क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने दुश्मन बन गए हैं? क्या उनकी जिद भाजपा को क्षति पहुंचा रही है और ऐसा मंजर पैदा कर रही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो आम आदमी के मुद्दों के साथ जुड़े हुए नहीं? ये सारे सवाल पैदा करते हैं कांग्रेस के वो आरोप जो कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर लगाए हैं। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल संसद सत्र के पांचवें दिन कांग्रेस ने सत्तारूढ़ एनडीए सरकार पर संसद में कथित तौर पर विपक्षी नेताओं के माइक बंद करके उन्हें चुप कराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि नीट पेपर लीक मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं, जबकि विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि लोकसभा में जब राहुल गांधी ने संसद में नीट का मुद्दा उठाया तो उनका माइक ऑफ कर दिया गया, और जब राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीट का मुद्दा उठाया तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं। इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। पायलट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब देश के युवाओं के हित से जुड़ा नीट पेपर लीक का मुद्दा सदन में उठाया तो माइक को बंद करके उनकी आवाज को दबा दिया गया। सदन में नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन भाजपा सरकार इस संसदीय परंपरा को धुंधली कर रही है। केंद्र सरकार देश के युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने से कतरा रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा की मांग कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी। बता दें 2023 में राहुल गांधी ने सरकार पर इसी तरह से लोकसभा में उनका माइक बंद करके जानबूझकर उन्हें चुप कराने का आरोप लगाया था, जब वह केरल के वायनाड से सांसद थे। उनके सहयोगी अधीर रंजन चौधरी, जो निचले सदन में कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उन्होंने भी स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि बजट सत्र के दौरान 3 दिनों तक उनका माइक म्यूट कर दिया गया था। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।